कई राज्यों से जुड़ रहे हैं रेलवे पेपर लीक के तार। कहा जा रहा है कि सीबीआई को अन्य राज्यों में मिले हैं गिरोह के सुराग। राजस्थान, बिहार व हरियाणा में गिरोह के सुराग भी मिले हैं। एपटेक कंपनी के कर्मचारियों से अब पूछताछ की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से देखिए परीक्षा कराई गई थी। विभागीय जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव ये परीक्षा करवाई थी। अब कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों से सुराग मिलते जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से विभागीय जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक होने के मामले के तार जो हैं वो अब यूपी समेत कई राज्यों में से जुड़ रहे हैं। देखिए सीबीआई की जांच में राजस्थान के साथ साथ बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सक्रिय होने के सुराग जो है वो मिले हैं, जिसके बाद गिरोह के सदस्यों की तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। देखिए दरअसल रेलवे की जो है विजिलेंस और सीबीआई की शुरुआती जांच में गिरोह के कुछ सदस्यों के नाम सामने आए थे, लेकिन बाकी जानकारियां अभी तक जो है वो छुपी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से संयोजित तरीके से पेपर लीक किया गया उसमें रेलवे के अफसरों की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। और इसी के साथ साथ देखिए दूसरी ओर सीबीआई परीक्षा कराने वाली मुंबई की एपटेक कंसल्टेंट लिमिटेड की जो कंपनी है उनके कर्मचारियों को भी चिन्हित कर रही है। और इसी के साथ साथ जिन्होंने पेपर को खोल कर देखा था सीबीआई जल्द ही आरोपियों के साथ साथ जो है एपटेक कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो तेज कर दी गई है। जो जिन जिन लोगों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी अब की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कहा जा रहा है कि सीबीआई को अन्य राज्यों से भी सुराग मिले हैं। राजस्थान, बिहार व हरियाणा से भी सुराग मिले हैं। एपटेक कंपनी के कर्मचारियों से अब पूछताछ की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब